start from here and go. This is the only temple in Banaras. Sankar Mohan ji ke mandir hai wahan par. Everything's pink. Yes. Everything is pink. Look, look. Thank you. Well, it's absolutely an honor to have you here, man. And you're looking stunning as always. You know, you are an accomplished dancer. We've seen it. Sandeep sir, he is the dance maestro. And this is the eve of World Dance Day. And if both of you are here, we cannot let you go without dancing. I mean, you guys are student teacher, right? I mean, this duo, I think all of us would kill to see them shake a leg. Do you guys want to see them shake a leg here? तो पहले मैं तो कहूँगी कि डांस की वजह से शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ. मैं एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हूँ. 7 साल 6 साल की उम्र से, एक्चुअली जब मैं 5 साल की थी मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट किया था और मैंने आरंगेत्रम सब कुछ कंप्लीट किया. एंड तो मैं एक इंडियन क्लासिकल डांसर थी. मैं बहुत से स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह करती थी. लेकिन जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मुझे एक बहुत अलग डांस फॉर्म सीखना पड़ रहा था, अलग अलग चीज़ें. और तब मेरी मुलाकात संदीप जी से हुई और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी. एंड ही इज़ बाय फार द बेस्ट डांस टीचर. एंड मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से ये वेस्टर्न स्टाइल डांसिंग, यू नो स्पैनिश स्टाइल, मेरेंगे, साल्सा और लैटिन डांसिंग जो ये उनकी खासियत है, मैं नहीं कर पाऊँगी. लेकिन व्हेन यू हैव अ गुड गुरु तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है. सो मेरे गुरुजी की वजह से लेजी लम्बे जैसे गाने वगैरह जिसके लिए उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी वो हो पाया इतनी खूबसूरत से. और मैं बहुत खुश हूँ कि डांस जैसी कला को संदीप जी आज दुनिया के सामने ऑन वर्ल्ड डांस डे पेश कर रहे हैं. बिकॉज आई थिंक ये कला इतनी खूबसूरत कला है कि यू नो पीपल शुड बी मोर अवेयर. एंड डांस एक ऐसा फॉर्म है, इट नीड्स नो लैंग्वेज, इट्स गॉट इट्स ओन लैंग्वेज. चाहे आप कौन सी भी भाषा बोलो, वेदर यू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन डांस इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. एंड आई थिंक दिस इनिशिएटिव इज फैबुलस फॉर दैट. Well, other than my Bharatnatyam, which I've been trained for, I love the Latin American dance form. I think it's sexy, it's contemporary, it's yet got tradition steeped in it, and it's very hot and it's fun. You know, it's a lot of fun. And
I learned that form from Sandeep himself, and we had a blast. It was very difficult, but he made it easy for me. Well, मैंने हमेशा से कहा है she's one of my favorite students. She's superbly dedicated. छोटी छोटी बारीकियाँ डांस की होती हैं, उसको जानना पहचानना एक डांसर की खासियत होती है. नॉर्मली आप ट्रेड सो मेनी अदर स्टार्स, बट जो एक डांस को जानने का उसको पहचानने का जज्बा होता है वो मैंने केवल अमीषा जी में देखा था. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो बारीकियाँ और छोटे छोटे जो डिटेल्स होती हैं डांस की, टो कहाँ जाएगा, उंगली कहाँ जाएगी, पैर कहाँ जाएगा, हाथ कहाँ जाएगा, वो छोटे सवाल पूछना शोज डेडिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट. एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल स्टूडेंट. थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट गुरु. थैंक यू. एंड मैम, आफ्टर द वेदर टू यू, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्साइटेड फॉर द वेदर टू. व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल? वेल, ऑल आई कैन से इज दैट हर जगह जहां मैं जाती हूं और गदर टू की चर्चा होती है तो लोग सिर्फ ये एक सवाल पूछते कि अब तारा सिंह और सकीना क्या करेंगे और उनकी लाइफ में क्या होगा. तो मैं जवाब ये देती हूँ कि देखो, कुछ साल बाद उनकी कहानी अब आगे बढ़ती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बैकड्रॉप, वॉर का बैकड्रॉप, इतना ही कहूँगी मैं. लेकिन दिलचस्प फिल्म है, म्यूज़िक से तो भरपूरी है. तो आई होप कि जितना प्यार सभी ने हम लोग को गदर वन के लिए दिया, गदर टू के लिए भी आप उतने ही प्यार और हमें गुड लक और गुड विशेस दो. जिस तरह का गदर टू का जितना न्यूज आया, एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि कौन अब प्यार बनेगी क्या नहीं, ये भी ये मेरे फैन इतना चाह रहे हैं कि कौन अब प्यार टू बने. और जैसे गदर टू की अनाउंसमेंट आई तो गदर टू के बारे में तो बहुत खुश थे, लेकिन यही सवाल सब ने, अभी हम लोग को गदर टू के बाद हम लोग को कहो ना प्यारे टू भी चाहिए. तो राकेश रोशन जी के पास जाओ, उनको बोलो कि सर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, प्लीज़ कहानी नहीं लिखो और वापस ये गदर कहो ना प्यारे की मैजिक फिर से क्रिएट करना. हाँ, वो भी आप लोग उनको इंस्पायर करेंगे तो डेफिनेटली डांस शो कर देंगे हमारे साथ. बट डेफिनेटली आप देखने वाले हैं, वो अलग अलग देशों के डांसेस हैं. स्पेनिश पासो डोब्ले है, हेटी का कमरेंगे है, डोमिनिकन रिपब्लिक का बचाटा है, क्यूबा का रुम्बा है, बहुत अलग डांसेस हैं. मेरा फेवरेट जिसमें शुरुआत करने वाला हूँ विच इज़ द इंग्लिश वॉल्स. तो काफ़ी सारे डांसेस हैं, आप देखेंगे दुनिया भर के डांसेस को. एंड बहुत सारे हमारे टेलीविजन के फिल्म के स्टार्स जो हैं वो डांस करने वाले हैं आप सबके लिए. सो आई होप यू एंजॉय दिस कलरफुल बुके ऑफ डिफरेंट डांस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. I'm wishing everyone a very, very happy World Dance Day. Absolutely. आज का जो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद हम दोनों की ओर से. और आज का जो हमारा डांस परफॉर्मेंस है वो है वेस्टर्न फॉर्म विच दे एक्चुअली डांस फॉर द सेलिब्रेशन मेरेंगे. And it's originating from Haiti. Haiti की जगह का ये डांस परफॉर्मेंस है कॉल्ड मेरेंगे. और वर्ल्ड डांस डे है, हम एक्टर्स हैं, हम कहीं ना कहीं डांसर्स भी हैं. मैं पहले सीख चुका हूँ, नेहा पहले सीख चुकी है. आई थिंक हम दोनों ही बहुत सालों बाद एक साथ एक कोरियोग्राफ डांस कर रहे हैं. तो बहुत एक्साइटेड हैं कि एक तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं. हमारा डांस फॉर्म है मेरेंगे, इट्स अ डांस ऑफ सेलिब्रेशन, एंड हम आज सेलिब्रेट करने आए हैं आप सबके साथ. तो मैं संदीप के साथ डांस सीखता था 2014 में. आई वॉज लर्निंग बॉल रूम विथ हिम, और फिर बिजी हो गए सब अपने अपने काम में. अभी रिसेंटली संदीप ने कॉन्टैक्ट किया कि विल यू डांस फॉर मी, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि हाँ. इनफैक्ट मैं मिला अभी संदीप से हूँ आई थिंक 7-8 साल के बाद, और वापस बड़ा मज़ा आया और आज आपके सामने हम परफॉर्म करेंगे. आई एम लर्निंग डांस फ्रॉम सर. पहले भी एक बार सीखा था, फिर बाद में कोरोना के बाद जब प्रैक्टिस शुरू हुआ तो सर ने कहा यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज सब ने मुझे सेमी क्लासिकल, फोक और क्लासिकल में देखा है. But this is specially for sir. I am actually doing a Western ballroom dancing. So, ये dress है actually जो Western dance में, जैसे हमारे classical dance में भरतनाट्यम के अपनी शास्त्रीय शैली पद्धति के costumes होते हैं. तो this is particularly for this dance which is a couple dance, जो एक दूसरे को सम्मोहित करने के लिए वो लोग करते हैं और अपना प्यार सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं. सो दिस इज़ वॉट विल बी एक्चुअली स्प्रेडिंग इट थ्रू दिस डांस कि आप सब प्यार से रहे, सारे कपल्स एक दूसरे को प्यार से देखें और अपनी खुशियों से अपना जीवन जिए.
ऑल ऑफ यू ऑल्सो यू कैन गो होम एंड डांस. मेरे लिए नया है बिकॉज मैं तेनाली में कुछ नहीं पहनता था. सडनली अभी मैं यहाँ पर ऐसे सी थ्रू शर्ट पहन रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ बिकॉज इज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग. बट ठीक है, मजा आ रहा है, लेट्स सी कैसा करते हैं. अभी किसी ने मुझे कहा कि अंजलि मैम आप करेले पहनने भी लगी. मैंने बोला वेल नो कमेंट्स. हमारा सब टीवी कपल हो गया है, अंजलि मेहता एंड तेनाली रमा डांसिंग टुगेदर. थैंक यू सो मच, लवली टू हैव यू गाइस. Well, yes, I'm very excited for the World Dance Day. मेरे बहुत खास मित्र हैं संदीप सुपरकर, वो हर बार मेरे को निमंत्रण देते हैं और हर बार मैं जितना जो भूमिका निभाता हूँ उनके डांस शो में आके. एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो लाइक वॉट ही क्रिएट्स लैटिन अमेरिकन बॉल ग्रुप डांस. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ही इज़ द वन हू टेकन इनिशिएटिव एंड कीपिंग द ट्रेडिशन अलाइव. And I love him and I always support him. तो आज मैं और शालिनी भार्गव जो इतनी बड़ी फिटनेस की गुरु हैं हमारे कंट्री की, इनके साथ मेरे को सौभाग्य कि मैं इनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ आज. एंड हमारा बिकॉज आज मेरा अवतार थोड़ा सा सेक्सी सा है क्योंकि हम लोग बहुत सेक्सी डांस कर रहे हैं. इट्स अबाउट द टू गर्ल्स, यू नो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. ये जेंडर इक्वालिटी है, यू नो ये हम LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं डांस. एंड आई थिंक सो हर इंसान के अंदर एक ब्यूटिफुल दिल होता है जिस दिल की कोई जेंडर नहीं है. लाइक सोल हैज़ गॉट नो जेंडर, वी ऑल आर क्रिएटेड बाय गॉड. सो आई थिंक सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट टुडे. या सो वेरी सुपर एक्साइटेड अबाउट डूइंग दिस. संदीप के साथ मेरा बहुत सालों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. संदीप मेरे जिम में आते हैं और हर साल हम लोग भी कुछ करते हैं नया. इस साल रोहित के साथ कर रही हूँ मैं. एक्चुअली रोहित के साथ पहले भी किया हुआ है मैंने एंड रोहित के साथ करना है सुपर फन बिकॉज रोहित इज सुपर फन. एंड आज हम लोग अपनी एक्चुअली कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक डांस प्रेजेंट कर रहे हैं विच इज़ द कैबरे. कैबरे इज फ्रॉम फ्रांस एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. वी आर सुपर एक्साइटेड. वी आर द शो स्टॉपर्स एक्चुअली. सो आई थिंक यू ऑल विल बी एक्साइटेड बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि हर इंसान के अंदर जो है भगवान क्रिएट किया है, हर के अंदर कला है. इट जस्ट हमको उस कला को दिखाने का मौका चाहिए. एंड एवरीबॉडी इज ब्यूटिफुल. ओके, आज के टाइम पे जिस हम लोग जो कहते हैं कि मर्द औरत का काम नहीं कर सकता, औरत मर्द का काम नहीं कर सकता, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग वन, इट्स ऑल अबाउट द लव. थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू यू. राइट, सो आपने बिल्कुल सही पकड़ा. सेनोरिटा वाला वाइब है इस आउटफिट का. बट जो हम डांस फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं उसका नाम है पासो डोबले विच इज अ स्पैनिश डांस फॉर्म जिसमें ये प्ले कर रहे हैं मैटाडोर एंड जो लड़की होती है वो रिप्रेजेंट करती है या तो फ्लेमिंगो गर्ल जैसे कि ये और अ बुल. तो बहुत सारे टेंशन होने वाली है. हम डांस में, हम ऑफ स्क्रीन और ऑफ द डांस पर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन हमें स्टेज पे एक दूसरे को पूरी टेंशन देनी है. बहुत फाइट होने वाली है. ये बुल है, मैं मैटाडोर हूँ. एक कपड़ा दिखेगा आपको और बहुत सारी मारा मारी दिखेगी इन द वे ऑफ डांस. बट एक बहुत ही स्टाइलिश डांस फॉर्म है एंड आई एम ग्लैड आई एम शेयरिंग दिस परफॉर्मेंस विथ रूपल हु इज सच अ फैबुलस डांसर एंड अ फ्रेंड ऑफ माइंड. एंड वर्ल्ड डांस डे है. वर्ल्ड डांस डे के मौके पे आपको एक स्पैनिश डांस फॉर्म परफॉर्म करने मिले जिसमें आपको बहुत अच्छे स्टाइलिश कपड़े मिले, अच्छा डांस करने मिले, और क्या चाहिए. दैट इज ट्रू. एंड आल्सो आई फील लाइक ये वर्ल्ड डांस डे पे ना एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को नए नए डांस फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराने का. बिकॉज पासो डोबले जैसे मुझे नहीं पता था पहले क्या था ये करने से पहले. इनफैक्ट इज द फर्स्ट टाइम मैं पासो डोबले परफॉर्म कर रही हूँ विद दिस स्टंट. सो आई एम एक्साइटेड. सो क्या क्या तैयारी करनी पड़ी जैसे आपने कहा कि पहली बार परफॉर्म कर रहे हो, आप दोनों साथ में परफॉर्मेंस कर रहे हो, क्या तैयारी की आप दोनों ने? एक तो यार तीन साल बाद ऑलमोस्ट एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है. तो 2-2.5 साल तो सभी घर में थे, चाहे कितने भी अच्छे डांसर हो, सब थोड़ा सा जंग लग गया था. तो बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है, बहुत सारे बैलेंसिंग की एक्सरसाइजेज हुई है. हमारे कपड़े देखिए, इट इज़ नॉट हमारे ये कपड़ों में डांस करना, हील्स में डांस करना, इन शूज में डांस करना अपने आप में बहुत बड़ी कलाकारी है जो हम करने वाले हैं. तो काफ़ी मज़ा आया और आप लोग को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा. आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्कैरी बात इस डांस फॉर्म का था कि हील्स में परफॉर्म करना है. लाइक ही सेड, मैंने कभी हील्स में डांस नहीं किया है. आई यूज्ड टू बी डांसर बट हमेशा स्पोर्ट्स शूज में होता था. तो हील्स में करना एंड वो पोस्चर मेंटेन करना एंड स्टेप्स याद रखना बहुत बहुत टफ था. तो बहुत रिहर्सल्स किए हमने, बहुत मज़ा भी आया. मैं जज तो नहीं करने वाली हूँ. संदीप सर के साथ हमेशा मैंने
आई थिंक सालों से 2005 से इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया है, हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे। इस बार मैं एक सेंचुअल बचाता कर रही हूँ जिसके साथ चैटीज और थोड़ा लैप डांसिंग करूँगी, तो दैट इज इवन मोर कॉन्ट्रोवर्शियल देन बिफोर। या ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी ऑन दैट इंटरनेशनल डांस डे हैप्पी डांस डे, हैप्पी वर्ल्ड डांस डे। एंड आई एम बेसिकली अ क्लासिकल डांसर, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम थैंक्स टू संदीप सर वंस अगेन, सो ही इज़ मेकिंग मी डू वॉल्ट्स विथ हिम, सो ही इज़ माई पार्टनर एंड आई एम ट्राइंग माई फीट ऑन वॉल्ट्स, वॉल्ट्स डांस। एंड या देर इज़ टोटली इंटरनेशनल डांस, बॉलरूम डांसर्स ऑल डिफरेंट, लाइक शी इज़ डूइंग टैप डांस, ऑल न्यू नेम्स फॉर मी, सो आई एम टोटली फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड। So yes, but the waltz is also classical dance. Classical, yeah, it's a romantic, the classical. Romantic, dance. And it's very linear, elegant and linear. Yeah, and I think sir ne bahut achi tarah, Sandeep sir ne bahut acha mix kiya hai logo ka and that's why. So yes, that's it. So kis tarah ka bonding share karte hain Sandeep sir? Bonding, yeah, he's a very good friend and colleague, and now I might join him as a student also, so let's yeah, that's the bonding we are trying to get into it. I have been a student since 2004. Yeah, he's the most amazing human being. So she's the old student and I'll be the new student. Yeah, and he's a great matlab mentor, guru agar ho. I've been very blessed to have someone like him in my life. Thank you. जी एक्चुअली हम लोग जो परफॉर्म करें उसका नाम है चाचा चा, एंड ये काफ़ी पुराना डांस फॉर्म है, 1960s में आई थिंक आया था, रूरल डांस फॉर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्मूथ, बहुत लाइट, बहुत क्यूट फनी टाइप का डांस भी होता है, कॉमेडी टाइप, वो मुझे देख के तो ऐसे ही कॉमेडी उनको याद आ जाती है, तो बेसिकली वो है। मेरे लिए चाचा चा का मायने ये है कि इट्स अ लॉट ऑफ फन, मज़ेदार है। ऑल्दो सब सारे लैटिन अमेरिकन डांसेस जो संदीप सर सिखाते हैं वो बहुत ही सेंसुअस होते हैं, लेकिन चाचा चा में जो है उसमें मस्ती है, और वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाचा चा चाचा से तो एक्साइटेड नहीं, चाचा चा से एक्साइटेड है, वेरी एक्साइटेड, बहुत टाइम से रिहर्सल चल रही है हमारी, एंड फाइनली अब मजा आएगा करने में, मस्ती मजाक करेंगे एंड डांस करेंगे। आई थिंक हम सबसे सिंसियर कपल थे, हम एक महीने पहले से जाके हमारी कोरियोग्राफी सीख ली और सब कुछ कर लिया, तो वी लव संदीप सोपारकर एंड उनके लिए कुछ भी करना कम होगा, सो या वी लव हिज स्टाइल, वी लव हिज जेनरस हार्ट, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अब आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारा डांस डे। थैंक यू जी, एक्साइटमेंट है, और क्या करके बॉन्डिंग शेयर करते हैं? आई मीन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इंटरनेशनल डांस डे है, एंड इट्स बीन पैंडमिक के बाद ये पहली बार हो रहा है दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, स्पेशली संदीप इज सेलिब्रेटिंग इट एंड ही इज़ द डांस गुरु ऑफ इंडिया सो टू स्पीक, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुनाइट एंड आई एम गोना बी होस्टिंग टुनाइट्स शो, सो दैट इज़ अनदर थिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। एंड संदीप सर के साथ बहुत एक अच्छा बॉन्ड है, उनके साथ मैंने इतने सारे शोज़ किए ऑन टेलीविजन, ऑन डिजिटल लाइव शोज़, सो डेफिनेटली एक लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग डांस डे विथ हिम एंड ऑल ऑफ दीज अमेजिंग people that are going to be a part of it tonight. आपके ब्रेस्ट इंजरी को लेके बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, तो क्या रिकवर हो चुका है या फिर कैसे है, थोड़ा सा बताएं। क्या कोई डांस परफॉर्मेंस आपके लिए देखने मिलेगी? नहीं, आज मैं डांस तो नहीं कर पाऊँगा, एंड लाइक यू नो आई हैड अ रिस्ट इंजुरी, आई एम रिकवरिंग, बट अबाउट माई रिस्ट इंजुरी बस ये बोलूँगा दैट यू नो there was never a surgery, पता नहीं क्यों लिखा जाता है that I had a surgery and I'm hiding about it, ऐसा कुछ भी नहीं है, never had a surgery, my wrist is absolutely fine, it is recovering and hopefully soon, I think in a month it will be completely normal, right now it's already normal, but ताकि मैं अपने physical activities like dancing,
वर्किंग आउट स्टार्ट कर सकूँ. सो इट विल टेक अनदर मंथ फॉर मी, बट इट्स गुड. क्या यही वजह थी कि आपने जो एक्टिंग के असाइनमेंट्स को मना कर, एक्टिंग के असाइनमेंट्स को मना करने का रीज़न कुछ और होता है. यू नो समटाइम्स बहुत बार ऐसा होता है आपके पास एक स्टोरी आती है एंड देन मे बी यू डोंट लाइक द स्टोरी. लाइक वाइज इफ यू आर अप्रोचिंग समबडी दे माइट नॉट लाइक यू फॉर वॉट यू लाइक. तो ऐसे दोनों तरफ से चलते रहता है. बट इफ समथिंग गुड कम्स माई वे आई विल डेफिनेटली डू इट. ऐसा कुछ नहीं है. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. This camera? Yeah, this camera, this camera. Hi, my name is Deepak Parashar. Sandeep se baat karke saath mera rishta takriban 25 saal se hai. Bahut acche dost hain wo mere aur maine kaafi saalon se dekh raha hu. Bahut acha dance karte hain, bahut acha sikhate hain. बहुत खुशी है आज यहाँ पे आप सबसे मुलाकात करते हैं. आज वर्ल्ड डांस डे है, इसकी शुभकामनाएं सभी को. अभी परफॉर्मेंस देखे नहीं है लेकिन आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी एक क्लास, क्योंकि संदीप खुद एक क्लास है. बहुत कम डांसर्स मैंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में. मुझे तकरीबन इंडस्ट्री में 40 साल हो गए हैं. बहुत ही कम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल, नॉट ओनली इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. अब मुझे याद है कि शायद ब्रिटेन की क्वीन ने भी इन्हें न्योता दिया था और इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस वहाँ भी किए हैं. So all the best to Sandeep Subhadkar. Thank you all of you. God bless. Bye-bye. जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप के पार्टनर है. उन्होंने हमारे ऐप का जो मेन थीम सॉन्ग है उसको क्रिएट किया था, उन्होंने कोरियोग्राफ किया था और हमारे लॉन्च इवेंट में उनका पहला परफॉर्मेंस था जिसके साथ हमने लॉन्च इवेंट शुरू किया था. इसलिए एक प्रकार से बॉन्डिंग तो है संदीप जी के साथ. और आज वर्ल्ड डांस डे के दिन हम उन सारे लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो ये दिन बड़े ज़ोरदार तरीके से मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं. हमारा जो शॉर्ट वीडियो ऐप है उसमें भी डांस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. बेसिकली शॉर्ट वीडियो ऐप्स होते हैं जिसमें 5 सेकेंड 10 सेकेंड के 15 सेकेंड के जो वीडियो बनाए जाते हैं. तो हमारा जो शॉर्ट वीडियो ऐप है जय भीम ऐप, उस पर बहुत सारे लोग डांस करते हैं और ये जो डांस है इसमें चैलेंजेस होते हैं. तो इसमें बहुत सारे बच्चों के इंस्पिरेशन संदीप सोपारकर साहब रहे हैं, इसलिए आज की एक्टिविटी में हम आना चाहते थे, आए हैं और हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं. आज के शो के साथ कोई कोलैबोरेशन होने वाला है? आज के शो का कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन एक प्रकार से एनुअल कोलैबोरेशन ऑलरेडी हमारा संदीप जी के साथ है. उन्होंने कई सारे वीडियोज़ भी हमारे लिए क्रिएट किए हैं, हमारे थीम सॉन्ग को भी उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया है. और आगे भी कुछ प्लान्स इस तरीके से हैं कि कुछ बच्चों के साथ वो उनके वर्कशॉप्स ले, वो भी एक प्लान है. और साथ ही साथ संदीप जी के साथ एक बड़ा डांस रियलिटी शो हम प्लान करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी इस वक्त बहुत ही बेसिक स्टेज पे है. आगे जैसा वो डेवलप होगा वैसे मैं आप लोगों को खबर दे सकता हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. डांस एंड म्यूजिक एक जरिया है, एक इट्स अ स्ट्रेस बस्टर, द बेस्ट ऑफ द स्ट्रेस बस्टर्स इन लाइफ. संदीप भाई जिस तरीके से आज इस चीज़ को फॉर्मेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू ही इज रिमार्केबल, फैंटास्टिक, एडोरेबल टू द कोर. आपने अमीषा जी को भी सुना, वो खुद उनको अपना गुरु मानती हैं. ही इज आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसी कोई सीमा नहीं है जहाँ आप उनको आगे चल के चरण सीमा पर नहीं देखेंगे. आई विश हिम ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग एंड स्प्रेडिंग स्माइल्स टू द अटमोस्ट. दादा मैंने गिफ्ट कुछ नहीं दिया, एक फीलिंग शेयर की उनसे. बनारस में एक ही मंदिर है संकट मोचन जी हनुमान जी का एंड दिस इज द ओनली प्रतिमा दे विच हैज देयर. मैं बोला इससे बढ़िया मौका क्या होगा उसको मोमेंट पुट अप करने का. तो दिस इज द वे ऑफ विशिंग हिम ऑल द बेस्ट टू हिम. थैंक यू. थैंक यू सो मच.